एक और शेयर्स देख लेते हैं जो कि आज एफ एंड ओ में भी गेन कर रहे हैं। एक बार टिपिकली वो शेयर्स में आप देखेंगे तो टाइटन तो खैर आज लीड रहे ही, पीवीआर के अंदर अच्छा मूव आया है। एक एनसीसी ये भी स्मार्टली मूव प्ले कर रहा है, ये 4% ऊपर है। इसके अलावा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जय एक बार ये एनसीसी को देखिए, ये 4% ऊपर है। टिपिकली वैसे ही एक्सपायरी के आसपास ऐसा मूव देता है लेकिन इस बार मिडल ऑफ द सीजन में है ये। अभी क्या करना चाहिए एनसीसी पे, एक बार होल्डिंग रखें जिनके पास भी पोजीशंस हैं? आई थिंक डेफिनेटली यू नो जिनके पास भी पोजीशन से होल्ड डेफिनेटली करना चाहिए। स्टॉक में फिर से उसकी एवरेजेस के ऊपर आ चुका है और अगर आप देखें तो एक अच्छी इन्वर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न में से भी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया आज के ट्रेडिंग सेशन में, तो लगभग 82 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। विद दैट एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसमें पोजिशन होल्ड करनी चाहिए। जो इमीडिएट बेसिस पर मुझे टारगेट नजर आ रहे हैं यू नो दे आर एज क्लोज एज 91 और अगर 91 के लेवल्स निकलते ये स्टॉक में तो द नेक्स्ट टारगेट दैट कम्स टू माई माइंड इज 97। सो आई थिंक बुलिश और इनफैक्ट अगर किसी फ्रेश पोजीशन बनानी भी हो ना तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे बना सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड और मोमेंटम दोनों ही बुल्स के फेवर में। अभी अभी सेंसेक्स ने 30,000 का लेवल फिर से एक बार छुआ था। मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला बाजार है ये, आप मांगिए और आपको दे देगा। आज सुबह हम इसकी बात भी कर रहे थे कि आज 30,000 इनमें मुझे लग रहा था कि अगर थोड़ा और संभल जाता ना मार्केट, देखिए L&T, रिलायंस, मारुति ये सारे थोड़ा और पुश दे देता, ITC थोड़ा और पुश दे देता, SBI थोड़ा दे देता तो सेंसेक्स नया हाई भी बना देता। 30,024 का जो हाई है लाइफ टाइम हाई, इंतजार हो रहा है कब से कि चलो निफ्टी पे तो बन गया लाइफ टाइम हाई, इस पर कब बनेगा वो भी हो जाता। अच्छा संकेत 30,000 के पार सेंसेक्स, निफ्टी फिर से एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर और निफ्टी भी देखिए अब 9300 का जो लेवल है उससे कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है निफ्टी। हाँ। यानी और अभी तो यह हफ्ता बचा हुआ है, भले ही ट्रंकेटेड था फिर भी उम्मीद की जा सकती है। 9272 पर निफ्टी है और सेंसेक्स 30,000 के पार फिर से एक बार अभी अभी निकला है। नताशा कोई और ट्रेड आप रिकमेंड करेंगी? देखिए जैसे मैंने पहले बोला कि अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पे कॉन्सेंट्रेट करें तो वो बेटर ही रहेगा क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कंटिन्यू करना चाहिए। अभी हाल ही में हम लोगों ने जो स्टॉक रेकमेंड किया है अपने क्लाइंट्स को दैट इज़ फ्यूचर कंज्यूमर कंपनी को दो तरह से बेनिफिट हो रहा है। एक तो वो अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एक्सपैंड कर रहे हैं जिसकी वजह से कि ग्रोथ मिल रही है, इसके अलावा जो उनके रिटेल चैनल्स हैं उसको भी वो एक्सपैंड कर रहे हैं जिसकी वजह से इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिल रही है। सो देयर इज अ ग्रोथ नॉट जस्ट इन द पोर्टफोलियो बट आल्सो द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड आल्सो द पेनिट्रेशन विद इन द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। और अब जो कंपनी है वो उन प्रोडक्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट कर रही है जिनके कि मार्जिन्स भी बेटर हैं, तो काफ़ी हद तक एक मार्जिन इम्प्रूवमेंट की भी संभावना है। कंपनी ने हाल ही में फंड्स रेज किए थे जिसकी वजह से उन्होंने अपना डेट पेयर डाउन किया है जिसका बेनिफिट उनके इंटरेस्ट एक्सपेंस में आया है एंड इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैव कम आउट सिग्निफिकेंटली। तो आगे जाके ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इम्प्रूव करनी चाहिए, इनफैक्ट इट शुड टर्न प्रॉफिटेबल, वी दैट इज़ आर एक्सपेक्टेशन एंड दिस इज़ अ स्टॉक विच वी have been recommending both from a consumption point of view as well as a growth story point of view. अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे नोटिस की जा रही है मिहिर मार्केट के अंदर, ना केवल फ्रंट लाइन, ऐसा कहा जा रहा है कि लिक्विडिटी FIs के पास थी तो उनका फंडिंग काफ़ी है इसलिए बाजार चल भी रहा है, लेकिन आप स्मॉल कैप और मिड कैप पे भी देख लीजिए टिपिकली वहाँ पे वो बहुत ही पिक एंड चूज वाला हिसाब किताब होता है, बहुत ही छोटे छोटे पॉकेट्स में खरीदारी करते हैं लेकिन वहाँ पर भी अच्छी खरीदारी है। ये मिड कैप और स्मॉल कैप सेक्शन में भी काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल रहा है। इसमें कोई शेयर आपको समझ में आता है सुमित जो थोड़ा स्मॉल कैप और मिड कैप इंडेक्स से हो लेकिन वैल्यूएशन अच्छी हो, चार्ट अच्छा हो, स्ट्रक्चर अच्छा हो, हमको भी प्लस करना चाहिए वहां पे? सुमित शायद सुमित से भी संपर्क टूट गया है लेकिन इस बीच आप ये एक बार ग्लोबल मार्केट का भी देख लेते हैं कि वहाँ से हमको संकेत कैसे मिल रहे हैं, क्योंकि जब आप ऑलमोस्ट अपने हाई पे क्लोज करने की तैयारी कर रहे हो तो क्या अगला दिन नया हाई के लिए बनाने के लिए होगा ये देख लेते हैं। यूरोपियन मार्केट्स के अंदर यस 0.25% की बढ़त है, सिर्फ एक डैक्स को छोड़ दिया जहाँ पे 0.25% का ही नुकसान है लेकिन दोनों मार्केट्स अब तक कुल मिला के ठीक है। ये अच्छा योगदान ग्लोबल मार्केट से भी आता है दिखा, हालांकि ट्रंप के डंक कई लगे बाजार को लेकिन वो डंक ऐसे नहीं थे कि आदमी को बेहोश कर दे, तो कम से कम बाजार इससे भी बचता हो दिखा। और डाउ फ्यूचर्स जो कि अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर्स हैं यहाँ पर भी आपको फ्लैट है ऑलमोस्ट, क्योंकि नैसडेक तो थोड़ा लाल निशान में लेकिन डाउ फ्यूचर्स करीब 13 अंकों की बढ़त है, तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होने की जरूरत है ग्लोबल मार्केट्स के अभी तक के जो संकेत हमको समझ में आए हैं। 3,00,000+ अभी तक मार्केट पर देखने को मिल रहा है, ये अच्छा साइन है। लेकिन इसमें एक और आज चीज़ हमको दिखी वो था FIs में इंडेक्स ऑप्शंस के अंदर खरीदारी, हमने दो डाटा निकाले 9400 की
कॉल, आप एक बार ये भी देख लीजिए। आज हमने सुबह ही इसके बारे में आपको बताया भी था कि अगर आप कोई कॉल मार्केट में बहुत ही एग्रेसिव होकर लेना चाहते हैं तो एक बार 9400 की कॉल ले सकते हैं। यहाँ पे अच्छी खासी खरीदारी है और बहुत ही कन्विक्शन के साथ जिस पुट को बेच सकते हैं वो 9000 की है, क्योंकि अब मार्केट के पास तीन हर्डल हैं नीचे टूटने के बाद। पहले 9100, 9200, अब 9250 भी हो जाएगा आज की क्लोजिंग के बाद, तो 9000 अब बहुत पीछे हो गया। तो इस पुट को बेचा जा सकता है, एग्रेशन में 9400 की कॉल को खरीदा जा सकता था। ये रणनीति सुबह ही हमने आपके सामने रखी थी मिहिर। जी हाँ बिल्कुल, इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि मार्केट अगर होल्ड कर गया तो ये रेंज हो सकता है थोड़ी और अपवर्ड शिफ्ट हो, तो फिर आपको एक्चुअली 9100 की पुट में भी वो एक्टिविटी अभी दिख रही है लेकिन वो और दिखेगी, लेकिन उसके लिए यहाँ से ऊपर और जाना ज़रूरी है। इसमें जय, ये 9300 के पास निफ्टी को कैसे ट्रेड करना चाहिए फिर? आई थिंक सी, जो हिसाब से कॉलर पुट की एक्टिविटी आप अभी डिस्कस कर रहे थे, इस सीरीज में अगर आप देखें तो एज ऑफ नाउ 9500 के कॉल में सबसे ज़्यादा हुआ है, ये फॉलोइंग विच दैट इज 9400। सो आई थिंक यू नो ये जो रेंज है 94 to 95 विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशल रेजिस्टेंस, राइट? एंड ऑन द लोअर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 9000 पुट साइड पर काफ़ी एक्टिविटी है, राइट? अभी करंट मार्केट से अगर आप देखें सो 94 and 95 आर क्वाइट क्लोज कम्पेयर टू द 9000 and 9100 पुट, एंड मेजर अगर आप सीरीज की अगर रेंज देखो ब्रॉडर रेंज तो इट वुड बी देन कम आउट एज 9000 and 9500 विद इन विच इट वुड बी 9100 to 9400। आई थिंक 9300 के पार मिहिर मेरा ये मानना है कि यू नो आई थिंक ये रेंज के बाहर निकलना एज ऑफ नाउ तो मुश्किल लग रहा है, तो टिल इट डजंट डू दैट मेरा ये मानना है कि ऊपर की तरफ 9400 के कॉल ऑप्शंस बेचकर काम करना चाहिए, एंड वेर एज ऑन द लोअर साइड वन हैज टू सेल 9100 पुट ऑप्शन। एक शॉर्ट ट्रायंगल की स्ट्रेटजी आई थिंक फॉर फ्यू डेज टिल इट कंसोलिडेट्स आई थिंक ये वर्क करेगी, एंड जब कोई ये रेंज में से मेजर ब्रेकआउट आया देन ओनली यू सी अ मेजर मूव, और एल्स निफ्टी कहीं ना कहीं ये रेंज में ही ट्रेड करती रहेगी एटलीस्ट इन दिस सीरीज। ठीक है गौरांग, टिपिकली हम आपसे यही तो पूछते रहते हैं कि कौन से शेयर प्लस करें, कहाँ पे खरीदारी करें, कोई ऐसा शेयर है आपके माइंड में भी चल रहा है जहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके अब बाहर आना चाहते हो, आपको लग रहा है कि हाँ बस बहुत हो गया, हमने रिकमेंडेशन यहाँ दी थी अब हमारे टारगेट हिट हो गया, अभी शेयर से हम बाहर आ जाएंगे, हमको नहीं लगता वे शेयर चलने वाला है अब आगे? वेल तिमाही नतीजों के आधार पर हमने उल्टा जो हमारे लक्ष्य थे और जो कवरेज है हमारी उस पर ऊपर की तरफ रिवाइज़ किए हैं। हाँ लेकिन एक चीज़ है, धातु क्षेत्र में कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर मेरे ख्याल से मुनाफा अगर आपको मिल रहा है तो आपको मानना चाहिए, उसके साथ साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स है जहाँ पर आपको मुनाफा मानना चाहिए, और एक सेक्टर है रियल इस्टेट। हालांकि आज हमने देखा है कि जो अच्छी कंपनियां हैं मिसाल के तौर पर शोभा लिमिटेड, गोदरेज प्रॉपर्टीज़, महिंद्रा लाइफ स्पेस, प्रेस्टीज इस्टेट्स, ओबरॉय रियलिटी, इस पर अच्छा रुझान है, लेकिन इसके साथ इस सेक्टर में काफ़ी कुछ ऐसी कंपनियां जिनकी बैलेंस शीट बहुत कमज़ोर है और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन को लेकर के भी बहुत बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं। तो ये कुछ यू नो सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको मेरा ये मानना है कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, इस बीच कुछ एक और शेयर्स देखिए जिनमें एक अच्छा सडन स्पाइक देखने को मिल रहा है। बीजीआर एनर्जी है, ये भी एक अच्छा मूव दिखा रहा है। बलरामपुर चीनी को आप देख सकते हैं। बीएफ यूटिलिटीज एक अच्छा प्ले देखने को मिल रहा है। एक बार नताशा आपका ना बीएचईएल पे व्यू चाहिए, क्योंकि आज एक स्टेटमेंट आई कि जो सरकार ने टारगेट्स दिए थे इनका यूटिलिटी सेट्स के वो उन्होंने कंप्लीट कर लिए। करीब 45,000 मेगावाट के थे यूटिलिटी सेट्स के जो उन्होंने टारगेट को अचीव किया। टिपिकली ऐसी न्यूज़ फ्लो बीएचईएल के अंदर देखने को नहीं मिलती थी, जो गवर्नमेंट टारगेट सेट करे वो अचीव कर ले। ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी बीएचईएल की बेहतर हो रही है क्या? सरकार इस पर भी ज़्यादा नोटिस कर रही है इसको? देखिए, एक तो अच्छा टारगेट इन्होंने मीट कर ही लिया है, लेकिन अगर आप उनके बाकी क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें तो उसमें ऐसा कोई इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा जिसकी वजह से कि ये एक्सपेक्ट किया जाए कि ये एग्जीक्यूशन जो उन्होंने इस पर्टिकुलर केस में दिखाया है वो कंटिन्यू करेगा। जब तक कि वो उस तरह का क्लैरिटी नहीं आता, उनको ऑर्डर्स मिलने वापस शुरू नहीं होते, तब तक वी वुड प्रेफर टू स्टे अवे फ्रॉम द स्टॉक। इस बीच एक बार देख लेते हैं एडवांस डिक्लाइन को भी, क्योंकि अच्छी चीज़ यह है कि आज मार्केट ने तो होल्ड किया ही है, हायर लेवल पे सेंसेक्स ने भी फिर से एक बार 30,000 को पार किया, लेकिन साथ साथ अगर आप देखें जो ओवरऑल एडवांस डिक्लाइन है मार्केट का वो भी ठीक रहा है। सुबह हमने देखा था
कि झुकाव जो था वो पूरी तरह से बढ़त की तरफ था, उसमें देखिए अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। 1140 काउंटर्स ऐसे हैं जो कि अब भी बढ़त में है, नुकसान वाले काउंटर्स की संख्या 444 के आसपास है। आज के इनफैक्ट जो जिन स्टॉक्स ने 52 वीक हाई हिट किया है उस लिस्ट को भी अगर आप देखेंगे ना तो उसमें भी कई अच्छे क्वालिटी नाम शामिल हैं जहां पर अभी भी नया हाई बन रहा है। तो ये ओवरऑल थोड़ा हेल्दी ट्रेंड इंडिकेट करता है मार्केट में। देखिए 52 वीक हाई की सूची को आप, इसमें अदानी पोर्ट है जिस पर आज एक नया हाई हिट हुआ है, 5% ऑलमोस्ट चला है काउंटर 358 के आसपास। कर्नाटका बैंक है, L&T है, रिलायंस है, मदरसन सुमी है, सारे देखिए ऐसा नहीं कि कोई सेक्टोरल कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसे पूरी तरह से यस बैंक देखिए, TVS मोटर्स देखिए इस लिस्ट में। जय, आप नियर टर्म में और लॉन्ग कॉल अगर लेना हो तो कहाँ पर लेना चाहेंगे 52 वीक हाई की लिस्ट में? आई थिंक TD के बैंक, बैंकिंग जैसे मैंने कहा कि एक बहुत ही अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ ट्रेड कर रहा है, और TD के बैंक अगर आप देखें, जो मैंने कहा कि मैंने हमारे क्लाइंट्स को भी यहाँ पे रेकमेंड किया, वो था अराउंड 140-141 के लेवल्स के आसपास। आई थिंक जो हिसाब से ये स्टॉक में एक अच्छी कंसोलिडेशन में से काफ़ी समय के बाद ब्रेकआउट आया है, जो ऑलरेडी अदर बैंक्स में एक अच्छा मूव चल रहा था और ये बैंक कंसोलिडेट कर रहा था, इट इज़ जस्ट इट हैज़ बीन अ लगाड़ लाइक यू टॉकिंग अबाउट डिस्कसिंग अबाउट दी L&T इन दैट बैंकिंग पैक। इफ यू सी TD के बैंक वॉज कंसोलिडेटिंग, इट वॉज नॉट मूविंग हायर, और वो अपने दूसरे जो पीयर्स है उसको अब फॉलोअप कर रहा था। आई थिंक दिस इज वन बैंक विच हैज गिवन अ फ्रेश ब्रेकआउट, मोमेंटम इज पॉजिटिव एंड एब्सोल्युटली एक पैटर्न ब्रेकआउट भी दिया है, तो जिसके टारगेट्स भी मिल सक रहे हैं अलॉन्ग विद दिस पैटर्न ब्रेकआउट एंड विच कम्स टू अराउंड 155-156 इन अ वेरी नियर टर्म। सो आई थिंक दिस इज वन स्टॉक विच आई वुड लाइक टू गो विद। ठीक है गौरांग, अगर क्रूड एक थीम है मार्केट की तो उसको प्ले कैसे करना है मार्केट के अंदर? ये स्टेबलेशन की तरफ बढ़ रहा है क्रूड जो कि $50 के आसपास है, ये बियर होने की तरफ जा रहा है फिर बुल होने की तरफ जा रहा है? अगर मार्केट में क्रूड ही थीम प्ले करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ, क्योंकि आज ना टिपिकली थोड़ी ऑफशोर कंपनी से हमने देखा कि अच्छी खरीदारी आई है, ये कई दिनों के बाद एबन में देखने को मिल रहा है, सलन एक्सप्लोरेशन है ये ऊपर आ गया आज, कुछ पेट्रोकेमिकल डिविजन्स के शेयर चल रहे हैं, तमिलनाडु पेट्रो है, कोठारी पेट्रो है, इसलिए मैं आपको क्रूड का एक बेस समझ के इससे सारे शेयर ना पर्टिकुलर इसी से ही कनेक्टेड है, आपसे जानना चाहता क्रूड को थीम कैसे प्ले किया जाए। तो हमारा ये मानना है कि अमेरिका के तरफ से जो कच्चे तेल का उत्पादन और नेचुरल गैस का उत्पादन है वो और भी ऊपर की तरफ जाएगा, और ये जो दाम है कच्चे तेल के ये ऊपर की तरफ तो बहुत ही सीमित रहेंगे और शायद फिर से $45-50 प्रति बैरल की तरफ लुढ़कना शुरू कर देंगे। और सूरत हाल में अगर आपको इस थीम को ध्यान में रख करके निवेश करना है तो सबसे पहले तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज आती है, BPCL, HPCL, IOC हमारी कवरेज है, इसके पश्चात टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जिसका जिक्र हमने कई बार आपके चैनल पर आपके साथ आपके सहयोगी के साथ बात करते हुए किया है, और एक तीसरा है पेंट इंडस्ट्री जहां पर एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, एस्को नोबल ये सब कंपनियां हमारी कवरेज में हैं, और हमें ये भी लग रहा है कि एक इनडायरेक्ट बेनिफिशरी इसका ऑटो सेक्टर भी हो सकता है। बिल्कुल, चलिए बाजार बंद होने में 7 मिनट का समय बाकी है, एक अच्छी क्लोजिंग की तरफ मार्केट आगे बढ़ते हुए और निफ्टी 9259 के आसपास, लेकिन सेंसेक्स अभी भी आई थिंक कोशिश करेगा किसी तरह की 30,000 के ऊपर की क्लोजिंग दे दे, ऑल टाइम हाई है वो 30,024 के आसपास, तो थोड़ा बहुत फासला है यहाँ से, लेकिन एक बार देख लेते हैं जो टॉप गेनर्स निफ्टी के हैं जिस पर मार्केट ने पूरे दिन अच्छा रुझान दिखाया है, फिर अच्छा ट्रेंड अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है। अदानी पोर्ट तो चलिए आज एक नया हाई बना, मारुति सुजुकी 4.5% ऊपर, रिलायंस 1400 के ऊपर क्लोजिंग देने की तैयारी में नया हाई हिट करने के बाद, जी एंटरटेनमेंट करीब 3% ऊपर, हिंडालको, भारती इंफ्राटेल, L&T, यस बैंक, टाटा स्टील, HUL, आई मीन यू जस्ट नेम द हैवी वेट, और उस पर मुंह देखिए, SBI 300 को टच करने की तैयारी में, ग्रासिम है जो कि 1.5% ऊपर, कोटक महिंद्रा बैंक ये करीब 1.5% ऊपर, ऐसा नहीं कि लगाड्स नहीं रहे लेकिन जो तेज़ी रही है वो इतने हैवी वेट स्टॉक्स में रही है कि आमतौर पर आप देखिए आज के मार्केट की ब्यूटी देखिए, HDFC 3% नीचे है, इन्फोसिस 1.5% नीचे है, ITC 1% से ज़्यादा की गिरावट है, ICICI बैंक नेगेटिव है, बजाज ऑटो नेगेटिव है, एशियन पेंट्स 1% नीचे है, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप इंडेक्स को देखेंगे ना वो कंफर्टेबली क्रूज किया है उसने और रिकवर भी किया है निचले लेवल से। इंट्राडे लो जो था निफ्टी का वो इनफैक्ट आप देखें 9215 का, वहाँ से फिर से इसने रिकवरी दिखाई, स्ट्रेंथ दिखाई, ऑब्वियसली लेड बाय रिलायंस, L&T, मारुति, इन्हीं पर बैट करना चाहिए कल के लिए भी। जय,
आई थिंक सी L&T डेफिनेटली बेट कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि वहाँ पे तो एक फ्रेश ब्रेकआउट रिसेंटली आया है और मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव है, बट आई वुड स्टे अवे एज ऑफ नाउ फ्रॉम मारुति और यू नो एंड रिलायंस बोथ. सी रिलायंस पॉजिटिव मोमेंटम है डेफिनेटली उसका मीडियम टर्म में, मारुति भी अच्छे पॉजिटिव मोमेंटम में है, बट देन द काइंड ऑफ रन ऑफ विच बोथ ऑफ दीज स्टॉक्स हैव शोन, वो दोनों कंसोलिडेशन या तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से देखने मिल सकता है. तो रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना, तो दैट क्लियरली इज इन फेवर ऑफ L&T कंपेयर टू द अदर टू स्टॉक्स. ठीक है, अब बाजार बंद होने वाला है, लेकिन इस बीच में आपको दो शेयर और बता दूं जो इस बाजार में काफी अच्छे चले थे, अब प्रॉफिट बुकिंग है उसमें. एक तो आप डेल्टा कॉर्प देख सकते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है. जब एक नए जंक्शन पे मार्केट पहुँचता है टिपिकली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है, या आज 5% नीचे है. इसके अलावा दूसरा शेयर देखिए अडवानी होटल्स, ये शेयर भी यहाँ पे टूटा है और इसकी होल्डिंग कंपनी है एक्चुअली, इसमें कुछ हिस्सेदारी इसकी भी है, तो ये भी 5% इस समय नीचे आ चुका है. ये टिपिकली अच्छा शेयर था, अच्छे चल रहे थे, लेकिन आज क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग इनमें देखने को मिल रही है. यही मार्केट का आपको एक जो जिसे कहते हैं ना कि ब्यूटी है मार्केट की, कि आपको प्रॉफिट बुक भी टाइम टू टाइम करवा देगा, चलते हुए बाजार में करवाएगा. इन दोनों शेयर्स ने क्लियर किया. फटाफट से देख लेते हैं आज मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पे हो रही है, कौन से आज हीरो जीरो रहे, कहाँ पे आज बस देखने को मिला. मार्केट ऑलमोस्ट 9250 के ऊपर क्लोज करेगा, अभी तक का आंकड़ा ये बता रहा है. आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर काफी शेयर्स चले, आज आइडिया चला, एबी मनी के अंदर सर्किट लग गया, एबी नोवो को पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिल गया, तो ये पूरा ग्रुप आज चल रहा था. इसके अलावा आप सीमेंट कंपनीज में देख लीजिए, प्रिज्म है, बिनानी है, ये कुछ एक ऐसे कंपनीज हैं जो कि काफी स्मार्टली मूव करके गए हैं. 19% के अपर सर्किट पर लॉक हुआ है आज बिनानी सीमेंट. ग्रेफाइट इंडस्ट्रीज, ये 8 साल का ब्रेकआउट दिया इसने 115-108 के लेवल के, 108 के लेवल के बाद, इसलिए 133 शायद 150 भी हो जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए. शोभा इंडस्ट्रीज पे आप नज़र रखें, माफ की शोभा लिमिटेड पे, ये रियल एस्टेट के कुछ एक प्लेयर्स हैं जिन्होंने काफ़ी स्मार्टली आज मूव किया. टिपिकली ये सारी वही कंपनी या तो जिन पे कर्ज कम है या फिर कर्ज का बर्डन नहीं ज़्यादा झेल रही है बैलेंस शीट्स पे, और एक पर्टिकुलर एक एरिया में ही ज़्यादा फोकस्ड हैं. अनंत राज इंडस्ट्रीज पे भी आप नजर रख सकते हैं, काफ़ी स्मार्टली ये भी प्ले करता गया हो गया करके गया है. शुगर कंपनीज में अच्छी आज बढ़त देखने को मिली, हालांकि इंपोर्ट को लेकर जो आज सरकार ने बताया कि 5 लाख टन का इंपोर्ट हो जाएगा, ड्यूटी सारी स्क्रैप कर दी, उससे भी इन कंपनीज की ज़्यादा हिम्मत नहीं टूटी, उल्टा और करेक्शन हो गया. जो बार बार सुनने में आ रहा था कि इंपोर्ट ड्यूटी हट जाएगी और पूरा क्लीन हो जाएगा, सरकार ने क्लियर कर दिया 5 लाख टन इंपोर्ट कीजिए और कुछ हम नहीं करने वाले हैं. यही आज क्लैरिटी इन शुगर कंपनीज को थोड़ा ऊपर भी लेके आई है. इसके अलावा NBFC या फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनीज के अंदर, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, सेक्टोरियल ग्रोथ अच्छी हो रही है, इसलिए सभी शेयर्स चल रहे हैं, चाहे वो सोने को फाइनेंस करने वाली कंपनीज हो या टिपिकली कमर्शियल फाइनेंसिंग के अंदर हो या फिर पर्टिकुलर 2-व्हीलर 4-व्हीलर की लेंडिंग करने वाली कंपनीज हो. इस बीच ज्वेलरी कंपनीज को तो एक हमने कनेक्शन आपको बताया, क्योंकि जंक रेटिंग दे रही है साउथ अफ्रीका को, तो एक बड़ा बिजनेस का जंक इंडिया में भी आ सकता है, भारत को इसका बड़ा बेनिफिट होगा. लिस्टेड प्लेयर F&O में टिपिकली थोड़े कम है, PC ज्वेलर्स है, लेकिन आप और जो शेयर्स हैं उन सबके अंदर भी एक अच्छा और स्मार्टली मूव मिला, और जिनका डायमंड का कारोबार अच्छा है उनको और अच्छा मूवमेंट आते हुए दिखा. इसके अलावा कुछ एक इंफ्रा के शेयर्स भी आज चले. इंफ्रा तो टिपिकली चल ही रहा था, पूरे एक महीना से चल रहा था, बस रोटेशन में चल रहा था, किस दिन ये शेयर आ गए किस दिन वो शेयर आ गए. टिपिकली ये सेक्टर ने निराश नहीं किया, इंफ्रा में कभी भी किसी ने भले 2 ही शेयर लिए होंगे ना, अच्छे शेयर्स ले लिए होंगे, तो उसको इस महीने का जो प्रॉफिट होता है वो अच्छा मिल गया होगा. रैम की इंफ्रा आज करीब 5% ऊपर, ARSS और प्रतिभा इंडस्ट्रीज के अंदर भी हमने अच्छा मूव आते हुए देखा है. इसके अलावा कुछ एक स्पेशलाइज्ड कंपनी जैसे कि ऑफशोर आज हमको चलती हुई दिखी है, हालांकि गुरांग से हमने पूछ लिया, वो कह रहे हैं कि हो सकता है $45 तक आ जाए कच्चा तेल, लेकिन ऑफशोर कंपनीज के अंदर अच्छा बस है, 9% ऊपर. गोल ऑफशोर भी करीब 14% पे लॉक कर गया. सलन एक्सप्लोरेशन, कोठारी पेट्रो जैसे कुछ एक पर्टिकुलर शेयर, TN पेट्रो जैसे शेयर्स आज क्लोजिंग देखे गए हैं. इसके अलावा कुछ एक मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में आप देखेंगे तो स्पिनिंग और टेक्सटाइल कंपनीज ने पहले तो फ्रंटलाइन चले, आज छोटे छोटे शेयर्स की बारी थी. रूबी मिल, KG डेनिम, डिग जैम और सुपर स्पिनिंग, ये कुछ एक ऐसे शेयर्स थे जो करीब करीब 5% से ज़्यादा की बढ़त देने में आज कामयाब हुए हैं. इसके अलावा कुछ एक कबाब फार्मा से टिपिकली कनेक्टेड फार्मा शेयर्स हैं जैसे इंडिगो रेमेडीज, विमटा लैब्स, ये शेयर्स भी आज अच्छे खासे चलते हुए देखिए आज मार्केट की क्लोजिंग मिली है. 17 अंक बढ़कर मिली है, 9255 पे क्लोजिंग मिली है और 29,974 पे आज सेंसेक्स क्लोज करके गया, 30,000 के दर्शन करवाए,
ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी कल उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमने ग्लोबल जो डाटा देखा है उस बेसिस पे कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा नुकसान नहीं होता तो कल आपको 30,000 के ऊपर भी सेंसेक्स ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। आज एक और अच्छी चीज़ आप नोट कर लीजिए, भले निफ्टी और सेंसेक्स हाई पे बंद हो रहे हैं लेकिन स्मॉल कैप भी पीछे नहीं है, ये इंडेक्स अपने आप में 1% ऊपर बंद हुआ है, इसलिए ये ब्रॉडबैंड पूरी बाइंग है ना मार्केट के अंदर वो अपना क्लियर पिक्चर दिखा रही है। आप सिर्फ अच्छी वैल्यूएशन अच्छा शेयर रखिए, बाजार में पैसे की कमी नहीं है और यही पैसा मार्केट इस समय पूरी तरह से चेस करके इसको इस लेवल तक लेके आया है। तो आज के पूरी तरह से गेनर्स कह सकते हैं तो सरकारी बैंक रहे, रियल एस्टेट काउंटर्स रहे जिन्होंने आज बाजार का दिन बनाया, और लीडरशिप तो खैर अपनी लीडरशिप को प्रूव कर रहे हैं, उसमें टिपिकली रिलायंस है, L&T है, भले पार्टी में लेट आए लेकिन ऐसे आए कि उन्होंने बाजार को नया हाई भी बनवा दिया। गुरांग आपकी आज की क्लोजिंग कमेंट, आज की क्लोजिंग कैसे दिखी है और कल भी बाजार ऐसी रिदम को कंटिन्यू करेगा? वेल डिम्पी, रिकवरी अच्छी थी, शुरुआत अच्छी हुई, फिर हम फिसले और फिर रिकवरी, और फिर से हमने ऊपर के तरफ के जो शिखर बनाए थे सुबह में उसको छुआ और फिर थोड़े बहुत नीचे के स्तर पर हम बन दिए। ये मोमेंटम अच्छा है और टेलविंड पॉजिटिव है और मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में और भी कई ऊपर के शिखर देखना बाकी है। कोई भी गिरावट में लंबी अवधि के नज़रिए से खरीदारी की राय। बिल्कुल, चलिए गौरांग शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए।